हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, रविंदर पंचोली जी। ये किसी इंट्रोडक्शन के इनको जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 40 साल हो गए इनको, मोर देन 40 ईयर्स ये ऑलरेडी मीडिया के अंदर हैं, मीडिया हाउसेज में इन्होंने काम किया हुआ है। अगर मैं बायोडाटा बोलने लगूंगा तो 15 मिनट इसी में लग जाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा मीडिया हाउस नहीं है इंडिया में जहाँ पर इन्होंने काम ना किया हो। इन्होंने अभी तो ये भोपाल में रहते हैं, बट इंदौर से इन्होंने काम शुरू किया अपना, और आरएसएस की जो माउथ पीस था, जो न्यूज़पेपर, उसमें भी इन्होंने काम किया हुआ है। सो एक एक वेल कनेक्टेड है मीडिया हाउसेस के अंदर, तो मुझे लगा कि इनको इन्वाइट करना चाहिए। ही इज अ वेटरन इन टू दिस थिंग, इनको पूरी समझ है गेम की कि कैसे चलती है इंडिया में। सो रविंदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस शो, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। नमस्कार। रविंद्र जी, सबसे पहले, अब आपने मीडिया में काम किया हुआ है, मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोस भी बनाई हैं, कि इंडिया में ऐसा क्यों है कि एक तरफ तो मोदी जी लगे हैं कि मुझे अखंड भारत बनाना है। अखंड भारत मतलब जहां पर सारी कंट्रीज जो हैं आस पास में, नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, उनको मैं इकट्ठा करके एक कंट्री नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन करेंसी हो, यहाँ पे तरक्की कॉमन हो, तो उसको हम अखंड भारत की बात करते हैं। एक तरफ तो ये काम है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंडिया में अपने ही मीडिया हाउसेस मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ और इस आइडिया के खिलाफ बात करती रहती है। ऐसा क्यों है? सर, ऐसा है कि मोदी जी से पहले मैं तो मतलब 80s से जुड़ा हुआ हूँ, 1980s से समझ लीजिए। तो सरकार ने मीडिया हाउसेस को बिल्कुल अपनी रखेल बना के रखा हुआ है। 1 रुपये स्क्वायर फुट पर जमीन सरकारी मिली है, मतलब एकड़ों में 10-10 एकड़, 15-15 एकड़ जमीन लोगों ने ली ले रखी है, और उस पर कमर्शियल प्लॉट्स बना दिए हैं। न्यूज़पेपर एक या मीडिया हाउसेस एक कोने में चल रहा है और पूरा उसका किराया खा रहे हैं ये लोग। मोदी सरकार ने के आने के बाद क्या हुआ, हम लोग मालिक लोग भी दलाली करवाते हैं, पत्रकार यहाँ रह नहीं गए, सब दल्ले हैं। सर, मैं खुला बोलता हूँ कि सब लोग दल्ले हैं, दलाली करते हैं। तो पहले दलाली करते थे कि भैया हमारी ये बिल्डिंग क्लियर करवा देना, यहाँ से मंत्री जी से मिलवा देना, ये इंडस्ट्री के लिए क्लियर करवा देना। जैसे एक बहुत बड़ा नंबर 1 ग्रुप कह लीजिए हिंदुस्तान का, उसके मैं स्क्रैच से जुड़ा हुआ हूँ। जब उसके मालिक जो फट्टे वाली पहले कुर्सियां आती थी ना सर, कि आप इधर उधर हिले तो आपके बैक साइड में चिमटी खुड़ जाए, वो कुर्सियों पे बैठते थे। और उन कुर्सियों से आज उन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी कर ली है। वो सोलर पावर में भी घुस गए हैं, सोयाबीन का एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा रखे हैं, पेन इंडिया उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं, न्यूज़पेपर की हर स्टेट में खोल रखी हैं, और सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग का है। मोदी जी इनको घास नहीं डाल रहे हैं तो खबरें गायब करते हैं मोदी जी के खिलाफ, जो मतलब अर्ध सत्य जिसको कहते हैं ना, वो अर्ध सत्य बहुत करते हैं। प्लस इनको सऊदी से और वेस्टर्न अरब कंट्रीज से पैसा आता रहा मुस्लिम्स का, तो मुस्लिम्स को बड़ा पैम्पर करते रहे। अब मोदी जी के आने बाद कुछ क्या है, जो यंग जनरेशन आई है वो ये सब चक्कर में नहीं है, उसको समझ में आ गया कि ये हम इन सब में पढ़े रहेंगे बतौर जर्नलिस्ट तो हमारे पैसा तो कमा लेंगे। नाम आज जितने नामी जर्नलिस्ट थे सब आप देख लीजिए यूट्यूबर बन गए, पैदल हो गए, सड़क पे आ गए सारे, जिनको हम बड़ा महान समझते थे कि राजदीप सरदेसाई, पुण्य प्रसून वाजपेयी और आशुतोष, ये सब सड़क चाप हो गए और फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि कोई कहीं घुसने नहीं देता है। मोदी जी ने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैरियर लगवा दिए हैं, किसी पत्रकार की कहीं कोई एंट्री नहीं है। नहीं तो पहले तो पीआईबी का कार्ड दिखाया और अंदर धड़धड़ाते घुस जाते थे कि सर ये काम है जरा, इसका ये टेंडर होके करवाना, देख लीजिए ना, आपका भी इतना परसेंट है, मेरा भी इतना परसेंट। कुछ गरीब का मतलब ये है कि आपके घर में दिए जलेंगे तो उसके तेल से थोड़ा मेरे घर के भी दिए जल जाएंगे। रविंद्र जी, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में, मैंने 2-3 साल रहा हूँ मैं वहाँ पर, और मेरा भी नॉर्थ ब्लॉक में, और इवन मुझे पार्लियामेंट तक जो मुझे लेकर गया वहाँ पर, मुझे एक बार हर एक को शौक होता है कि मैं पार्लियामेंट में जाऊँ, मैं कभी प्रेसिडेंट हाउस में जाऊँ, नॉर्थ ब्लॉक में, साउथ ब्लॉक में जाऊँ, तो मुझे वहाँ पर भी जो पत्रकार है, वहाँ पर मेरे एक दो दोस्त है जो मुझे लेकर गए वहाँ पर, और उन्होंने मुझे, मैं लंच भी किया मैंने पार्लियामेंट में, और इनकी वाकई में जो आप बोल रहे हो कि इनकी जो एंट्री है, इट वॉज सो सिंपल कि अपना कार्ड दिखाते थे और वो सलूट लगता था इनको। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब वो सलूट तो अच्छा, दूर की बात है, वो धकेल के बाहर कर देते हैं कि भाई साहब यहाँ से आगे जाना नहीं, बैरियर लगे हुए हैं।
बहुत बढ़िया, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने हालत करी हुई है। और जैसे ही अपने देश का नाम खराब करते हैं ऊंची ऊंचा बोलकर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इनको फिर वायरल भी करवाते हैं उसको सोशल मीडिया के थ्रू, अपने वॉइस को जो नेगेटिव वॉइस है। देखिए कहीं भी अब जैसे चाइना है, चाइना ने इतनी तरक्की करी है सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर पॉजिटिव न्यूज आती है कि कंट्री कैसे तरक्की कर रही है और कंट्री कौन से अच्छे काम कर रही है। मोदी जी ने 9 साल में जितना काम किया है मैंने नहीं देखा कि किसी भी गवर्नमेंट ने पहले कभी किया हो, और ये इनको कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। मैं 56 की पैदाइश हूँ, 56 से लेके अभी 23 चल रहा है सर। मैंने इतनी प्रोग्रेस कभी हिंदुस्तान में ही नहीं देखी। ट्रेनों की हालत मैंने देखी है, एयरपोर्ट की हालत मैंने देखी है, बस स्टैंड की हालत मैंने देखी है, रोडों की हालत मैंने देखी है। मतलब ये लगता है कि पता नहीं कहाँ से कोई स्वर्ग से उतर आया और उसने जादू की छड़ी घुमाई और ये परिवर्तन हो गया है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। और देखिए, जी हाँ जी बोलिए बोलिए। अभी आज एक सर बड़ी बात हुई है, एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है महाराष्ट्र का, उसके मालिक जो रहे हैं वो कांग्रेस के एमपी रहे हैं। कोयला घोटाले में आज राहुल देवनी स्पेशल कोर्ट ने उनको 4 साल की सजा सुनाई है, उनको, उनके बेटे को और जो HC गुप्ता सेक्रेटरी थे, कौन सेक्रेटरी उनको। तो जो लोग कह रहे थे कि कुछ हुआ नहीं, कोयला घोटाला नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो आज उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। और एक दूसरी और बहुत अच्छी बात हुई है, ईडी के डायरेक्टर थे मिस्टर संजय मिश्रा, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्ट्रिक्टली बोला था कि साहब आप 31 को रिजाइन करिए और ऑफिस खाली करिए। आज सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्ली लगाई थी और वो प्ली मंजूर हो गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है कि राष्ट्रहित को देखते हुए 25 सितंबर तक हम इनको अलाउ करते हैं। तो आप 25 सितंबर तक ये मानिए कि बहुत सारी बड़ी मछलियां जाल में फंसेंगी। रविंदर जी, मुझे लगता है इसीलिए अपोजिशन जो है उसने बौखलाहट पे आकर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आने की बात करी है मोदी जी के खिलाफ, ये वो बौखलाहट ही है उनकी जो ये चीजें करवाने के लिए उनको मजबूर कर रही है। सर ये तो क्या हुआ कि आबेल मुझे मार, सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया है। मोदी जी को जब मौका मिलता है तो इतना बुरी तरह छीलते हैं कि ये अपने घाव महीनों तक सहलाते रहते हैं विपक्ष वाले। अच्छा सुनने को तैयार होते नहीं, जहां मोदी जी बोलना शुरू करेंगे हल्ला करेंगे और बाहर निकल जाएंगे, पर पब्लिक मजे लेती है। मोदी जी सबको बिल्कुल कपड़े उतार के चौराहे पे खड़ा कर देते हैं कि भाई साहब ये असलियत इनकी ये है। बिल्कुल सही बात है, 353 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मोदी जी को सपोर्ट है और 148, आप किस बेस पे नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ रहे हो? नो कॉन्फिडेंस मोशन आप तब ला सकते थे कि आपने मणिपुर पे बहस के लिए बोला और गवर्नमेंट डिनाई कर देती कि नहीं हम इस पे बहस नहीं करेंगे, या बहस होने के बाद आप संतुष्ट नहीं होते कि नहीं वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी डोंट हैव फेथ इन दिस गवर्नमेंट। वो रविंद्र जी ये तो मचा रहे हैं, पब्लिक भी ये क्या समझ रहे हैं कि पब्लिक अभी भी वही 2014 के पहले वाली है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ आज की इनको ये मोबाइल पहुंच गया स्मार्टफोन। सर मैं सब्जी मतलब मेरे को आज 3-4 साल हो गए हैं, मैं कभी जेब में पर्स लेके नहीं चलता हूँ, सारा लेन देन मोबाइल से होता है। ये हालत है और मेरे को सब्जी वाला ज्ञान देता है सर कि ये जो सब्जी महंगाई हो रही है ना, ये किसानों ने सालों ने आंदोलन किया था, मोदी जी तो भलाई के लिए लेके आए थे, अब रो रहे हैं किसान के टमाटर फेंक रहे हैं, ये फेंक रहे हैं। तो आज की डेट में सबको सब पता है। देखिए हिंदुस्तान का जो वोटर है वो सबसे समझदार है, राजनेता उसको समझते हैं कि ये बेवकूफ है, जबकि देखिए रविंदर जी मैं आपको हिंदुस्तान की पावर बताता हूँ। अभी मैं चाइना में रहता हूँ, इंडिया ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट किया है कि हम अपना जो राइस का एक्सपोर्ट है वो बंद करने वाले हैं क्योंकि दुनिया में थोड़ी सी कमी होने वाली है। इंडिया ने राइस सिर्फ बंद किया है, आप पावर देखिए इंडिया की आज की डेट में, ये मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ है कि पूरे दुनिया में राइस की जो प्राइसेज है वो दुगने हो गए हैं। यहाँ पर चाइना के अंदर भी शॉर्टेज है राइस की, जबकि ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट राइस मैन्युफैक्चरर है, तो भी इनको 20% राइस इंपोर्ट करनी पड़ती है। हमने राइस सिर्फ एक्सपोर्ट, एंड वी आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, जबकि इंडिया में जो राइस खाते हैं, चाइना वाले तो राइस इतनी खाते भी नहीं है जितनी इंडिया में खाते हैं। 140 करोड़ लोगों को भरपूर खाना खाने के बाद भी हम दुनिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, हमारी राइस एक्सपोर्ट बंद होने से दुनिया में रेट दुगने हो गए हैं। सर 140 कंट्रीज इससे हिल गई हैं,
आपको मैं नंबर बता देता हूँ कंट्रीज का, और खास तौर से जो अरब कंट्रीज और ये सब हैं, ये सब हिल गए जो जितनी दादागिरी दिखाते थे कि हम आपको ऑयल महंगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और आपका हमारा उम्मा उम्मा इनके उम्मा उम्मा सब एक तरफ हो गए। अब तो मोदी जी तो है, बिल्कुल उम्मा उम्मा का तो इन्होंने गुम्मा बना दिया है। बिल्कुल सही बात। अच्छा पर एक एक सर और बात है, पाकिस्तान के भी मैं देखता हूँ, आप भी देखते हैं, हिंदुस्तान का मुसलमान पता नहीं क्यों सुधरने को तैयार नहीं। आज की डेट में जितना सुखी हिंदुस्तान का मुसलमान है, मेरे ख्याल से कहीं दुनिया में कहीं का मुसलमान इतना सुखी नहीं। रविंदर जी, इनको चूर्ण दिया गया है हमारे ही ऑपोजिशन की तरफ से। देखिए, कभी भी जब आप किसी को बढ़ाते रहेंगे कि भी हम आपके साथ हैं, हम आपको फ्री में ये देंगे वो देंगे, तो कोई भी आदमी इस चीज में फंस जाएगा। जैसे कर्नाटका में देखा आपने कि लोग फंस गए वो 200 यूनिट में, पंजाब के अंदर भी देखा आपने 200 यूनिट में तो लोग बिक जाते हैं यहाँ पर इस देश में। तो जब आप उनको बोलोगे लाखों रुपए हम देंगे आपको, हज के लिए भी पैसा देंगे आपको, एजुकेशन के लिए पैसा देंगे आपको, इवन जो जो आपके ये मदरसे हैं उनको पैसा देंगे, जब आपको इतना फ्रीली पैसा मिलेगा, आप क्यों क्यों आप ये जो सपना है आपका कि ये हम बात सपना कर लेते हैं अखंड भारत का, वो कहते हैं गजवे हिंद का, तो आप जब नहीं, उसको बढ़ावा देते रहोगे गजवे हिंद का, तो क्यों नहीं करेंगे वो? पर इस मामले में जो हिंदू कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा लालची है सर। मुसलमान ने बड़े टेक्निकली वोटिंग करते हैं, वो मर जाएंगे पर बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और हिंदू अगर टमाटर 10 रुपए महंगा हो गया तो मोदी जी को गाली देकर सुबह किसी और को वोट दिया आएगा, फिर भले ही वो 5 साल तक जूते खाता रहे सड़क पर। रविंदर जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, और मैं ये चीज मैंने देखी है। इवन जब मैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलता हूँ दिल्ली में आकर, क्योंकि मेरी यहाँ मीटिंग्स होती रहती हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, उन्होंने हमेशा बोला है मुझे कि हमारी दिक्कत बीजेपी की सबसे बड़ी ये है कि हिंदू बेईमान है, मुसलमान बेईमान नहीं है। वो आज तक बिल्कुल उसने कभी भी ओवैसी को गालियां नहीं निकाली, लेकिन हमारा हिंदू ही है जो मोदी जी को गालियां निकालता है। नहीं, और आप सोशल मीडिया पे देखिए, हमारे देवी देवताओं के हमारे हिंदू ही मजाक उड़ाते हैं। यादव लोग रामचंद्र जी का मजाक उड़ाते हैं, राजपूत लोग कृष्ण जी का मजाक उड़ा रहे हैं, उनको देख के मुस्लिम कम्युनिटी के कई बंदे आके उनका हंसी मजाक उड़ाते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये दुख होता है मुझे। देखिए, मैं इंडिया से बाहर रहता हूँ, चाइना जैसी कंट्री में जहाँ पे आप धर्म की बात कर नहीं सकते, मैं यहाँ पर भी अपने जो रिलीजन की जो चीज़ें हैं, मेरी वाइफ जो है वो चाइनीज है, मैंने आज ही वीडियो डाला उसके ऊपर भी, और उसको सारे हमारे जितने भी त्यौहार हैं उसको सारे मालूम है, और उनका पीछे सिग्निफिकेंस भी मालूम है कि दिवाली क्यों होती है, दशहरा क्या है, रक्षाबंधन क्या है। और हमारे इंडिया के अंदर लोग ऐसे हैं जो कि हमारे ही धर्म के ऊपर हंसते भी हैं और मजाक भी उड़ाते हैं, और उसको ह्यूमर में लेके जाते हैं। आप मुसलमानों पे करके दिखाइए, वो आपका उसी वक्त फतवा निकाल देंगे। मुझे लगता है हिंदुओं के भी अंदर हमें या तो कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो इन लोगों के लिए फतवा निकाले। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ का मीडिया क्या है, शिवरात्रि आती है तो ज्ञान फैलता है कि सर दूध मत कर बर्बाद करिए, किसी गरीब बच्चे को पिला दीजिए। होली आती है तो कहता पानी वेस्ट मत करिए, कहीं किसान के काम में आएगा। बकर ईद आती है तब वो नहीं कहता कि आप मट्टी का बकरा काट लीजिए सर, क्यों आप पर्यावरण खराब कर रहे हैं। दिवाली आती है तो दिवाली पे फटाकों से पर्यावरण दूषित होता है 1 दिन 2 दिन से। तो यहाँ का मीडिया भी दोगला है, मीडिया की दुकानें बंद हो गई हैं, मीडिया के मालिक को कोई पूछता नहीं है, लोग अखबारों की और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पूरी औकात समझ गए हैं कि ये सब बिके हुए हैं। आप अगर हिंदुस्तान के टीवी के चैनलों पे बहस देखें तो कुत्ते लड़ाए जाते हैं, सबका अपना एजेंडा है, कोई बिल्कुल सही, सार्थक बहस होती नहीं है कि किसी सब्जेक्ट पे आपको कोई सार्थक बहस कर ले। रविंदर जी देखिए, मैं यहाँ पे बैठकर जब मैं बाहर से देखता हूँ, आप समझ लीजिए जैसे ईगल्स आई होती है ना, वैसे मैं भारत को देखता हूँ कि भारत में क्या तरक्की हो रही है। और मैं तो यहाँ पर हिंदुस्तान में हर एक साल एक या दो बार आता भी हूँ, मैं यहाँ पर बिजनेसमैन को लेके आता हूँ, यहाँ पर मैं चाइनीज को भी लेके आता हूँ, और जब वो एवरी 6 मंथ्स के बाद जब हम आते हैं यहाँ पर, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया, सड़कें अच्छी बननी शुरू हो गई, एयरपोर्ट्स की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, इवन जो छोटे छोटे एयरपोर्ट्स है जैसे चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है, मैं कई बार वहाँ पे लैंड
कमेंट करता हूँ, एंड आई सी कि वो पहले ऐसा होता था जैसे कि लोकल बस स्टैंड है, अभी आप देखिए बिल्कुल मॉडर्न एयरपोर्ट्स हैं, और यहाँ पे जो लोग आते हैं, जैसे मैं वाराणसी भी आया हूँ, चाइनीज मेरे साथ आए हैं, 10 साल पहले भी आए थे, इतना गंदा था वहां पर, और अभी ऐसा है कि आप वहां पे पानी पी सकते हैं, गंगा जी इतनी शुद्ध कर दी है, साफ कर दी है उन्होंने, सो हमें वो चेंज दिखती है। और प्लस जो ये अखंड भारत का जो काम, जो सपना हम सब लेके चलते हैं कि भाई ये सारी कंट्रीज तरक्की करनी चाहिए, अखंड भारत का मतलब ये नहीं है कि हम सारी कंट्रीज को अपने साथ मिला लें, ये है कि हम भी तरक्की करें वो भी करें, लेकिन मिलकर हम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बना सकते हैं। उसकी नींव भारत की, हमने अखंड भारत की मोदी जी ने रख दी है, ये शायद हमारा जिम्मा है, इसलिए मैंने आपको इन्वाइट किया। और मैं और लोगों को भी बोलता हूँ कि जो जो लोग ऐसे जिनको भारत से प्यार है, वो प्लीज इस प्लेटफॉर्म पे, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, हम एक दूसरे से दिया जलाते रहेंगे और पूरे भारत को जगाने का काम मैं इस चैनल से करना चाहता हूँ। एंड रविंदर जी, मैं आपको दिल से थैंक यू बोलता हूँ कि आपने ये इनवाइट को स्वीकार किया और आपने इतने खुलकर बातें करी हैं आज। यहाँ पे सर मुझे धमकियां मिलती है, मुझे व्हाट्सएप पे धमकी आई कि भाई आप मुसलमान मुसलमान क्यों करते हो, मैंने कहा भाई साहब मैं मुसलमान मुसलमान नहीं करता हूँ, मैं हिंदू हिंदू करता हूँ। 57 कंट्री में मुझे एक कंट्री ऐसी बता दीजिए जिसमें किसी दूसरे धर्म का आदमी सर्वाइव कर सकता हो, बिना कि हिंदुस्तान ही है जहाँ हर धर्म फला फूला है और किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सही बात। जुलाई महीने में आपको मैं भेजूंगा कितने मर्डर मुस्लिम ने हिंदू लड़के लड़कियों के किए हैं, आपका दिल दहल जाएगा सर। नहीं रविंद्र जी, मैं देखता हूँ वो, मैंने कई वीडियोस भी देखी हैं, कई बार मुझे लोग भेजते रहते हैं, इट इज़ शॉकिंग कि जो कुछ हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ हो रहा है, मैं खुद इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा चिंतित भी हूँ, और एंड ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है फ्रॉम दी अपोजिशन पार्टीज, वो चाहते ही नहीं है कि इंडिया कभी तरक्की करे, ये प्रॉब्लम यही है, सॉरी मैं इंडिया वर्ड यूज करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ये भारत है, था और रहेगा, और ये भारत की तरक्की से जलते हैं बिकॉज ये हमें, जब हम भारत की बात करते हैं वो हम अपनी सभ्यता से जुड़ते हैं, और ऑपोजिशन वालों को, स्पेशली कांग्रेस वालों को इस भारत से दिक्कत है, इनको इंडिया ही चाहिए जो जो अंग्रेज इनके लिए छोड़ के गए। सर जब ये खाली, जब खजाने खाली छोड़ के गए थे 2014 में, मोदी जी उसको 600 अरब तक ले आए हैं भर के, अब उनको दिख रहा है कि अब माल लूटने का सही समय है, तो अब ये सारे इकट्ठे हो गए चोर चमार जितने भी हैं, बहुत लिटरली बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लग सकता है पर ये चोर चमार ही है सर, इनमें से एक नहीं, नहीं, नहीं है जो दूध का धुला है। सही बात है, बिल्कुल सही। और सारे रविंद्र जी, 600 अरब रुपए में से कैसे अगर मोदी जी को हटा के और वो करा जाए। रविंद्र जी मैं देखता हूँ चाइना के अंदर, चाइना में इतना डर है इनको इंडिया की राइज से, मैं देखता हूँ हमेशा लोगों के अंदर रिस्पेक्ट है इंडिया के लिए बिकॉज उनको लगता है कि यहाँ से बिजनेस मिल सकता है, लोगों को यहाँ पे सिर्फ बिजनेस से मतलब है, पैसे से मतलब है, और उन्हें दिखता है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से बिजनेस नहीं आ सकता, वो इंडिया से आ सकता है, और ये बोलते भी हैं, जैसे मैंने कई बार बोला है कि मोदी जी को ये बोलते हैं लाउसिंग, लाउसिंग का मतलब है एक ऐसा मास्टर जो हजारों सालों में एक बार आता है और वो कंट्री को कहीं से कहीं ले जाता है, वो मोदी जी को वो वैसे देखते हैं। अच्छा आपके यहाँ मैंने आपका वो देखा था जुडिशरी वाला भी, तो अगर वो जुडिशरी का सिस्टम यहाँ हो जाए तो फिर क्या बात है, यहाँ तो जुडिशरी बायस्ड है, जज साहब मतलब लेफ्टिस्ट है, आपको उनके निर्णयों में साफ साफ दिखाई देता है कि आप एक पक्ष को बहुत अंधे होकर सपोर्ट करते हैं और हिंदू पक्ष को आप गड्ढे में डालने की कोशिश करते हैं। नहीं रविंदर जी, सुओ मोटो तो बड़ी जल्दी ले लिया उन्होंने मणिपुर में, ये केरला में, कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में, वहां पर जे सुओ मोटो कब लेंगे? नहीं लेंगे सर, अभी तो इनको झेलना है, इनको 2024 के तक हैं वर्तमान जो हैं माननीय, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वैसे 24 के बाद मोदी जी बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करने वाले हैं, आप में मिलते रहेंगे, या आप देखिएगा कि 2024 के बाद जितने ये मगरमच्छ घूम रहे हैं सब जाल के अंदर होंगे। और एक बात मोदी जी की मैं तारीफ करता हूँ, मोदी जी मुझे कोई पैसा नहीं देते, मुझे ना कोई बीजेपी से पैसा आता है ना कुछ आता है, ये जिसको कहते हैं ना कि भाई स्वस्फूर्त है, नेशनैलिटी मोदी जी के आने के बाद जागी है, राष्ट्रवाद की भावना मोदी जी के आने के बाद जागी है, इसके पहले हिंदू बहुत ज्यादा स्वार्थी था, 10% हिंदू जागा है, 10 में से अगर 30% और जाग जाए तो हिंदुस्तान के भाग्य बदल जाएंगे।
रविंदर जी देखिए, मुझे 2008 में राजस्थान से मुझे राज्यसभा की सीट ऑफर हुई थी वसुंधरा राजे की तरफ से, और मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा ये गंदा सिस्टम है पॉलिटिक्स का, यहाँ हिंदुस्तान में कुछ हो नहीं सकता। मैं उसके बाद भी बाहर चला गया कि आई वॉज डिसहार्टेंड। और उसके बाद 2014 में उन्होंने मुझे फिर बुलाया कि वी वांट पीपल लाइक यू, क्योंकि मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स राजस्थान में किए हुए हैं, और उन्होंने मुझे राज्यसभा की सीट जो पाली से है वो देने के लिए उन्होंने बोला भी था। मैंने फिर मना कर दिया कि मैडम पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब आपकी तो जेबें खाली हैं, अब आप अपनी जेबें भरोगे, मैं इस गंदे काम में नहीं आ सकता। शायद मैंने उस वक्त मोदी जी का वो जो सपना है कि ये कुछ कर सकते हैं, आई डिड नॉट सी दैट, और शायद वैसे वो गलती भी हुई है। बट आज मैं आपको बोल सकता हूँ कि आई रियली फील प्राउड कि जो इंडिया की जो तरक्की है, जो मैं इंडिया को देखता हूं अभी, जो एक हमारा एक जज्बा है लोगों के अंदर भी, और जो गवर्नमेंट की जो हमारी पावर है, जो हम दिखाते हैं लोगों को, आंख में आंख डाल के बात करते हैं, आई फील प्राउड। और ये मोदी जी लेकर आए हैं। और जो नेशनलिज्म की बात कर रहे हो, नेशनलिज्म का ये हाल है कि अगर मैंने चाइना में बैठकर ऐसी कंट्री में जहां पे बोलने की इजाजत नहीं है, मैं यहाँ पे हिम्मत कर रहा हूँ कि मैं अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों को जगाऊं अपने YouTube चैनल के लिए, मैंने तो 10-15 साल से YouTube कभी देखा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे चलता भी नहीं है। बट आई डिड इट ओनली फॉर अवर कंट्री बिकॉज ही हैज इग्नाइटेड दैट। वो जो चिंगारी चलाई है उन्होंने, यही चिंगारी अब मैं खुद लगा हुआ हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जगानी है, और उसमें आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ऐसे आपके जैसे जो राष्ट्रवादी हैं, जो हिंदुस्तान को एक अखंड भारत में देखना चाहते हैं, आई इनवाइट ऑल ऑफ यू, आप आइए। ये प्लेटफॉर्म भारत के लोगों के लिए है, इसमें कोई भी मीडिया हाउसेज जो एजेंडा चलाते हैं ये उनके लिए नहीं है। आम पब्लिक जो अपनी वॉइस को लोगों तक पहुंचाना चाहती है, आप आइए, जुड़िए और हिंदुस्तान को जगाइए, इसको अखंड भारत में कन्वर्ट करने में योगदान दीजिए। थैंक यू सो मच रविंदर जी, थैंक यू फॉर कमिंग, विल कीप कमिंग ऑल्सो। बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल आपने खुलेआम बात करी है, कोई वर्ड्स को दबाया नहीं, यही चाहिए हमें। सर अब जिंदगी बची कितनी है, राष्ट्र को समर्पित है। बिल्कुल सही, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। नमस्कार नमस्कार।